बृहस्पतिवार को साइबर क्राइम से बचाव को लेकर सुखावाद के राज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन कर थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक मौर्य ने छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। थाना प्रभारी सुखावाद एवं उप निरीक्षक मौर्य के नेतृत्व में स्टेशन रोड राज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में साइबर क्राइम पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित के साथ करते हुए, वहीं प्रभारी ने स्कूल के छात्र छात्राओं को जनपद में लगातार बढ़ रही साइबर क्राइम से हो रही ठगी को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए थाना प्रभारी ने बच्चों को मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें, अनजान कॉल पर सीमित बातें करें, फर्जी रिश्तेदारों की कॉल से पूर्णतया सावधान रहें। वहीं महिला सशक्तिकरण के तहत महिला दरोगा ने छात्राओं को विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध के बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। आपके विद्यालय में बच्चों को जागरूक किया गया था? आज विद्यालय में थाना प्रभारी सिपावाद एवं उपनिरीक्षक महोदय इन्होंने विद्यालय में आके एक संगोष्ठी का आयोजन रखा और बच्चों को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी और उन्हें और सारी मोबाइल से संबंधित जानकारियां दी। ये है कि हमें अपने मोबाइल की, घर की, परिवार की डिटेल किसी को, अनजान व्यक्ति को नहीं देनी है। कोई भी फोन आता है कि मैं आपका मौसा बोल रहा हूँ, काका बोल रहा हूँ, इस टाइप से बात करते हैं लोग, तो तब तक क्लियर ना हो जाए कि हाँ हमारे मौसा हैं, हमारे काका हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे मित्र हैं, तब तक अपनी पर्सनल जानकारी किसी को शेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई मोबाइल में हो रही है, आप लोगों के सारे डाटा मोबाइल में आ रहे हैं, इसलिए मोबाइल आप लोगों के सभी के पास होगा, सबके पास है। उस मोबाइल में आप लोग जब घुस जाते हैं तो ऑनलाइन कहाँ कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, कहाँ चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं और साइट खोल लेते हैं, तो ऐसी साइट ना खोलें, अपनी पढ़ाई करें। मोबाइल हमारे लिए पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल है। कोचिंग जाना बंद कर दिए हैं लोग, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो सही मायने में देख लो कि बहुत मतलब कुंजी है वो, लेकिन उसकी बच्चे गलत यूज भी कर लेते हैं, तो हमको अच्छी बातें यूज करनी है, ये सिखाते हैं स्कूल में भी, देखो अच्छी स्वीकार करो, खराब बाहर फेंको, ऐसे ही करते हो ना आप लोग? कोई इसका उल्टा तो नहीं करता? वेरी गुड। अगली बात यह है कि आज सभी लोग अपने घर जाकर के ये बात बताएंगे, किसी को अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी है, किसी को अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना है, कोई ओटीपी आओ उसको बताना नहीं है। यदि आपका कोई फ्रॉड हो जाता है बाय चांस धोखे से, उसकी 24 घंटे के अंदर कंप्लेन रजिस्टर्ड करा देनी है, तो आप लोगों का पैसा शेयर दूसरी जगह होने से बच जाएगा, हम लोग आपका वो पैसा रिकवर करा सकते हैं अगर 24 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये कब जानकारी होगी,